योगेश सर, क्योंकि मैं बार बार उन जेस्चर्स की बात कर रही हूं कि किस तरीके से दोनों की मुलाकात हुई, कैसे हैंडशेक हुआ, किस तरीके से उनका स्वागत हुआ, और जब खुद जेलेंस्की वहां के हालात के बारे में पीएम को ब्रीफ कर रहे हैं, तो ये वो तस्वीर जहां देखिए कैसे उनके शोल्डर पर हाथ रखा हुआ है। यानी ये चीजें जिस तरीके से पूरी दुनिया में मैसेज देती हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है भारत के लिहाज से भी। थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी जो है वो बहुत एक वॉर्म किस्म के नेता है, और जब वो रूस गए थे तो वहाँ पर जो हक वगैरह हुआ राष्ट्रपति पुतिन के साथ, उसकी काफ़ी चर्चा हुई वेस्टर्न मीडिया में, और प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी थोड़ा क्रिटिसाइज किया था, तो उसी को वो अब रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, उनके साथ भी बहुत गर्मजोशी से मिल रहे हैं। हालांकि हालात इस वक्त जो यूक्रेन में है वो बहुत संगीन है, वॉर लाइक वॉर सिचुएशन है, लेकिन फिर भी जो है प्रधानमंत्री जी काफ़ी गर्मजोशी के साथ उनसे मिल रहे हैं, तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत अगर रूस का मित्र है तो आपका भी मित्र है, तो इसमें आपको कोई संकोच या कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है कि भारत जो है वो यूक्रेन के साथ भी उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और यूक्रेन को भी जो है वो बराबर का समर्थन देगा। लेकिन क्योंकि ये ऐतिहासिक दौरा है और दुनिया की जिस तरीके से इस पर नजर है, यूक्रेन का ये आजादी दिवस है और पहली बार भारतीय पीएम की यूक्रेन में मौजूदगी, और जिस हालात में इस वक्त वहां पर युद्ध को देखते हुए सब कुछ तहस नहस हो चुका है, मनीष जेलेंस्की ने ये ग्लोबली एक मैसेज देने की भी कोशिश की, क्योंकि हम जब बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं उसमें जेलेंस्की का ये हमेशा से प्रयास रहा कि वो पूरी दुनिया को अवगत कराए कि आखिर यूक्रेन की इस वक्त हकीकत है क्या। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीते 2.5 साल में जेलेंस्की ने यूक्रेन का जो मैसेज फॉरवर्ड किया है वो अपने आप में अप्रत्याशित है। एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर उन्होंने लगातार यूक्रेन के खिलाफ जो रूस का आक्रमण है उसको उन्होंने पूरी दुनिया के मंचों पर ले जाने की कोशिश की। हालांकि ये बात अलग है कि भविष्य में जब इतिहासकार जेलेंस्की की भूमिका को देखेंगे तो वो ये भी देखेंगे कि उन्होंने अपने मन से कितने फैसले लिए, उन्होंने यूक्रेन के हित में फैसले लिए या फिर उन्होंने किसी और वेस्टेड इंटरेस्ट को फॉलो किया। लेकिन इन सब से अलग अगर आज की तारीख में भी देखें तो यूक्रेन में एक बड़ी आबादी चाहती है कि अब शांति हो, तो क्या जेलेंस्की ये शांति के पक्षधर है? और अगर पक्षधर है तो वो भारत के ही सलाह को कितना आगे देखे। अगर जेलेंस्की यहां पर इंडिपेंडेंट तरीके से फैसला लें तो वो प्रधानमंत्री मोदी से इस बात की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्रेसिडेंट पुतिन से बात करिए, आपका अच्छा प्रभाव है, अच्छा संबंध है, आप शांति लेकर आइए। लेकिन इस वक्त क्या जेलेंस्की के दिमाग में शांति है या फिर जेलेंस्की को केवल यह दिख रहा है कि एक ऐसा देश जो रूस का मित्र है, एक ऐसा देश जिसकी एक ग्लोबल पोजिशनिंग है, उसको भी हम अपने यहां बुलाकर, उनके राष्ट्राध्यक्ष को भी बुलाकर हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए यूक्रेन के समर्थन में हर कोई है। तो ये तमाम जो तस्वीरें रुक रही हूं अलग अलग प्रेसिडेंशियल पैलेस से, विपिन भी लगातार हमें वहां से सीधी तस्वीरें और रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। विपिन की एक और लेटेस्ट रिपोर्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कीव यात्रा के दौरान इस वक्त प्रेसिडेंशियल पैलेस ऑफ यूक्रेन की पहुंच चुके हैं, जो कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का आधिकारिक आवास है, और इसी प्रेस रूम में थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर इसी झंडे के सामने उन्होंने हैंडशेक किया, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना मैसेज इस रजिस्टर में आकर रिकॉर्ड किया। इस कुर्सी पर वो बैठे और उनके बगल में उस वक्त प्रेसिडेंट जेलेंस्की यहाँ पर मौजूद थे। इसी रजिस्टर में उन्होंने अपना मैसेज रिकॉर्ड किया है, और आप देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज है, उन्होंने सिग्नेचर किया, और इसके बाद वो एक बार फिर से हैंडशेक किया, फिर यहाँ से वो आगे की कार्रवाई के लिए और आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। अगले कुछ घंटे उन्हें यहाँ पर रहना है, और ये वो भारतीय प्रधानमंत्री का मैसेज है जो हम आपको इस वक्त कैमरे पर दिखा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी ने अपने हस्ताक्षर किए हैं इस टेबल पर बैठकर, और जब वो इस कमरे में प्रवेश किए तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी उनके सामने मौजूद थे, उनके साथ यहाँ पर हैंडशेक किया गया और अगले कार्यक्रम के लिए वो लोग रवाना हो गए। ये यात्रा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कई लिहाज से, पूरी दुनिया की निगाह इस पर है, सिर्फ भारतीय कम्युनिटी नहीं, रशिया नहीं, यूक्रेन नहीं, बल्कि दुनिया की निगाह है, क्योंकि प्रधानमंत्री की ये यात्रा कई मायनों में अहम है, और उस शांति के संदेश की कल्पना की जा रही है, बात कही की जा रही है, जिसकी पूरी दुनिया को उम्मीद है। ये
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन के कीव आने के बाद वो संदेश है जिसको हम आपको अपने कैमरे पर दिखा रहे हैं, और इस संदेश को देने के बाद अगले कार्यक्रम के लिए वो रवाना हो गए। बेहद अहम मुलाकात इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के प्रेसिडेंशियल पैलेस में चल रही है, और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलता है इस पर पूरी दुनिया की निगाह होगी। लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष आपको हर अपडेट, हर खबर सबसे पहले पहुंचाता रहेगा और ये बताता रहेगा कि इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में क्या चल रहा है, और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे मुलाकात की, क्या बातचीत की, और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ विपिन चौबे, टीवी 9 भारतवर्ष, कीव, यूक्रेन। विपिन चौबे हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, इस वक्त पीएम और ज़ेलेंस्की कहां पर हैं, क्या हो रहा? देखिए, सुरक्षा कारणों से हम आपको बहुत डिटेल्स तो नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त उनका जो दौरा है वो प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर है, और वो लोग मुलाकात करके हैंडशेक किया, पीएम ने अपना मैसेज रजिस्टर किया, और रजिस्टर करने के बाद वो जो बाकी की कार्रवाई प्रेसिडेंशियल पैलेस में है उसको पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सुरक्षा कारणों से हम लाइव डिटेल्स आपको नहीं बता सकते कि क्या है, कहाँ है, कैसे है। इतना जरूर है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई है, हैंडशेक हुआ है, प्रधानमंत्री ने अपना मैसेज रजिस्टर में दर्ज किया है, और उसके बाद अब आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्थान करेंगे। और दोपहर में लगभग क्या वहीं प्रेसिडेंट पैलेस में ही एक बकायदा स्क्रीन लगाई गई है, उसी स्क्रीन में वहां की हकीकत मई 2022 से अभी तक के हालात के बारे में खुद ज़ेलेंस्की ने पीएम को बताया कुछ तस्वीरों के माध्यम से? जी, सोर्सेस हमारे ये क्लेम कर रहे हैं कि इस वक्त जब प्रधानमंत्री यहां पर आए तो क्या क्या कुछ हुआ है इन 2-2.5 सालों में, उसको लेकर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने उनको ब्रीफ किया है, और ब्रीफ करने के बाद वो आगे की कार्रवाई के लिए बढ़े हैं। हमारी थोड़ी मजबूरी है कि हमें जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो रिपोर्ट्स आपने प्रेसिडेंट पैलेस से भेजी हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मनीष, इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे। मनीष, बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो हमारे दर्शक वो तस्वीर देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कुछ दिखा रहे हैं, ये दरअसल एक बच्चों का मेमोरियल है, बच्चों का मेमोरियल, इस संदर्भ में कि वहाँ एक मेमोरियल बनाया गया है जिसमें एक स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि मई 2022 में जब खार्किव में रूसी सेना के हमले की वजह से छोटे मासूम बच्चे मारे गए थे। आपको याद होगा कि जब जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए थे और पुतिन से मिले थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि रूसी हमले में एक बच्चों के अस्पताल पर रॉकेट गिरा था जिसमें कई बच्चे की जाने गई थी, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन से यह कहा था कि अगर किसी युद्ध में बच्चे मारे जा रहे हैं तो यह मानवता के खिलाफ घोर अपराध है। तो आप कनेक्ट करिए, मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी उस बच्चों के अस्पताल पर हुए हमले को लेकर बोल रहे थे, और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की पहुंचे हैं तो ज़ेलेंस्की ने सबसे पहले उन्हें बच्चों से जुड़े हुए एक मेमोरियल को दिखाया जहां पर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध में किस तरह से यूक्रेन में मासूमों की जान गई। मासूमों की जान दोनों तरफ से गई, बहुत सारे सिविलियंस मारे गए, और यही युद्ध का सबसे अफसोसनाक पहलू है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि शांति की जरूरत है, और इस शांति के लिए दोनों पक्षों को बातचीत करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि दोनों बहुत कनेक्टेड है एक दूसरे से। जहां पर ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री मोदी को यह दिखा रहे हैं कि बच्चों के मेमोरियल में कि कैसे मासूमों की जान जा रही है, लेकिन उसके बाद का रास्ता क्या है? उसके बाद का रास्ता यही है कि बातचीत हो, शांति लाई जाए, और उसके लिए ज़ेलेंस्की को भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो खुद वो प्रधानमंत्री मोदी को दिखाना चाह रहे थे, अगर वो खुद इस बात को समझ लेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जो उनसे कहना चाह रहे हैं वो सबसे अधिक तरीके से उनको कम्युनिकेट हो पाएगा।